अर्चना जी, अर्चना मैम, हाउ आर यू? हाय, कैसे हो आप? हम लोग ठीक है, आप बताओ। बस मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो कैसे हो आप? मेरे से बारिश आ रही है। क्या बोल रहे हो? बारिश आ रही है। मैं यहाँ से आऊँ। मैम थोड़ा स्लो। हाँ हाँ, मैम बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। अच्छे लग रहे हो। हाँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। कौन मार रहा है? बच गए आप। एनसी स्टैंड का और अब्दू का झगड़ा हो गया, कैसे पता आइडिया? भैया दूध में नींबू डालोगे जैसे तो दही तो बनेगी ना। ये भी बात सही है। अच्छे तो हमारी दोस्ती थी, अब तक चल रही है और आगे तक चलेगी। आप लोगों ने देखा, पता है क्या कहते हैं, आपको कोई भी रिलेशन को अगर आप 4 महीने में, चाहे आप हस्बैंड वाइफ को या आप लोग मतलब बहन भाई को, एक 4 महीने के अंदर आप रूम में बंद करके रख दोगे तो ऑफकोर्स हस्बैंड वाइफ में भी लड़ाई होगी, चाहे बहन भाई में भी लड़ाई होगी। तो अगर मेरी और प्रियंका की लड़ाई होती थी तो उसको बोला जाता था कि ओ माय गॉड लड़ाई कर, अरे हम लोग अच्छे दोस्त है तभी तो लड़ाई कर रहे हैं, वरना लड़ते नहीं ना। तो अब देख लो सामने सच आ गया सब लोगों के। बिल्कुल, मैंने क्या बोला, दूध में नींबू निचोड़ोगे तो दही तो बनेगी ना, तो वेट करो दही बनने का। बट मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मुझे लगता है इन सब चीजों के बीच में अब्दू को बहुत, मतलब अब्दू को सब लोगों ने यूज किया है, क्योंकि अब्दू का एक दिन पहले वो आ गया था सोशल मीडिया पे ट्रेलर जिसमें अब्दू को दिखाया गया था कि ये आ गया है, तो सब लोगों ने अब्दू को सर्च किया गूगल पे उसके फैन से। तो इस वजह से अब्दू के साथ सिंपैथी कार्ड लोग खेल रहे थे वहाँ पे सभी लोग। मैं बोलना चाहती, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब्दू का हर किसी ने यूज किया है और शायद पता नहीं अब्दू को पता चले ये बात या नहीं, बट मेरे जो जहन में है वो ये है, क्योंकि मैं भी अंदर रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है। तो अब देखते क्या है, मैं तो बस ये बोलती हूँ कि भाई आप लोग दोस्त हो, आपस में सलाह मशवरा करके दोस्ती को बढ़ाओ और क्या कर सकते हो। थैंक यू।